हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेब सीरीज फीवर के एक और एपिसोड में। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स की लेटेस्ट मूवी कार्गो का। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस मूवी का हम रिव्यू करते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास देखने को मिलता है आपको इस मूवी के अंदर, मुझे ये मूवी कैसी लगी, सारा कुछ डिटेल है आपको आज की इसी वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो डिस्प्ले पर दिए गए आईडी पर जाकर के आप मुझे इंस्टेंट फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सभी को नई मूवी और वेब सीरीज का डाउनलोडिंग लिंक जो है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई नई मूवी या फिर वेब सीरीज का डाउनलोडिंग लिंक चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम और मैसेज कर सकते हैं, मैं कुछ ही देर में उस मूवी या वेब सीरीज का डाउनलोडिंग आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मूवी है, इस मूवी को रिलीज तो दोस्तों पहले कर दी गई थी 2019 में 19 अक्टूबर को, इसकी वापस से जो है ओटीटी रिलीज हुई है 9 सितंबर को आप सभी के बीच नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पर। और दोस्तों, ये जो मूवी है बेसिकली फैंटेसी ड्रामा साइंस फिक्शन वाली मूवी है, जिसके अंदर आपको मेन लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं विक्रांत मैसी, श्वेता त्रिपाठी, नंदू माधव जैसे बहुत ही टैलेंटेड और बेहतरीन एक्टर। अगर बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग की तो दोस्तों, इस फिल्म को मिली है 6.7 की रेटिंग और इस फिल्म प्रोड्यूस किया है अनुराग कश्यप ने और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है अनुराग कश्यप और आर्तिक कदम ने। और दोस्तों, ये जो मूवी है काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर बात करें इसकी स्टोरी और प्लॉटिंग की तो इसकी स्टोरी जो है स्टार्ट होती है एक स्पेसशिप से, जहां पे हमें देखने को मिलते हैं विक्रांत मैसी जो कि एक दशक से उसी प्लेन में है और वो जो है पेशे से एक, आप उसे यमराज या राक्षस कह सकते हैं, जो कि अर्थ पे जो भी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, डेथ होने के बाद जो है वो उनके पास विक्रांत मैसी के स्पेसशिप में आता है। आने के बाद जो है विक्रांत मैसी कुछ प्रोसेस करके जो है उसे वापस एक नया जीवन देते हैं। उसके अंदर कोई पुरानी बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करना होता है, फिर से उसे पूरी अच्छी तरह से फिट एंड फाइन करके उसे एक नया जीवन प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद एंट्री होती है श्वेता त्रिपाठी की, जो कि एज ए असिस्टेंट उनके साथ विक्रांत मैसी के साथ रहती है। और क्या कुछ होता है आपको इस मूवी के अंदर यही स्टोरी देखने को मिली। और इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंप्रेसिव, इसकी जो कंटेंट और स्टोरी है काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ये विक्रांत मैसी स्टारर मूवी कार्गो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन दी गई है इस मूवी को, इसकी स्टोरी की जो डेवलपिंग है वो भी काफ़ी अच्छी खासी की गई है। और ये जो बेसिकली एक फ्यूचर आपको इसमें दिखाया गया है कि फ्यूचर में लोग किस तरह से मरने के, तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा इसी मूवी के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दिएगा, मैं आपको इसका डाउनलोडिंग लिंक मूवी का प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।